वोटिंग अब तक हो चुकी है, क्योंकि अभी अभी 3 बजे हैं, तो 3 बजे तक का आंकड़ा कुछ देर में सामने आएगा। लेकिन 1 बजे तक का जो आंकड़ा सामने आया था वो ये था कि 37.45% लखनऊ में वोटिंग हुई थी, 1 बजे तक का आंकड़ा है, 2 घंटे इसके बाद निकल चुके हैं, तो ये आंकड़ा निश्चित तौर पर बढ़ गया होगा। अगर बात की जाए पीलीभीत की, तो यहाँ पर 40.35% वोटिंग हो चुकी है और इसमें भी इजाफा हुआ होगा, एक ठीक ठाक एक अच्छा वोट परसेंटेज देखने को मिल रहा है। इसके साथ ही लखनऊ पीलीभीत का हाल हमने आपको बताया है, हरदोई का हाल क्या है, तो हरदोई में पीलीभीत की तुलना में कम वोट हुआ है, 34.75% यहां पर लोग बाहर निकले हैं। सीतापुर में 38.62% लोगों ने मतदान किया है, अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया है। फतेहपुर में 40% से ज्यादा लोगों ने वोट कर दिया है, ये 1 बजे तक का आंकड़ा है, नया आंकड़ा आने ही वाला है, कुछ देर में ये डेटा सामने आएगा, आपको बताएंगे 3 बजे तक की वोटिंग, लेकिन 1 बजे तक का फटाफट आप जान लीजिए कितना वोटिंग हुआ। रायबरेली में 40% लोगों ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया है और ये 1 बजे तक का डेटा आपको बता रहे हैं। लखीमपुर में करीब करीब 41% लोगों ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया है। इसके साथ ही उन्नाव की बात की जाए तो 38.14% लोगों ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया है। बांदा में भी 37.60% लोगों ने वोट किया है, तो ये आपको 1 बजे तक का मतदान बता रहे हैं। और सीरिया कुली चलते हैं ब्रेकिंग सेंटर आकांक्षा के पास।